वेलकम बैक टू माय चैनल निक्कू सुमित ऑफिशियल। हमारे चैनल पे आप सबका स्वागत है। सो गाइज, आज का जो ब्लॉग है वो मैं मॉर्निंग से ही स्टार्ट कर दे रही हूँ, क्योंकि मैं बहुत ज़्यादा खुश हूँ। तो इसलिए मैंने सोचा कि मैं मॉर्निंग से स्टार्ट कर देती हूँ। और फाइनली एक सबसे बड़ी बात कि तीन चार महीने बाद मैं अपना हुलिया ठीक करूँगी, जैसे कि आईब्रोज। इसके लिए भी बहुत सारे कॉमेंट्स आए थे कि आप आईब्रोज क्यों नहीं बनवा रहे हो, एंड जो भी मेरे फेस पर आपको दिख रहा होगा एक्स्ट्रा हेयर्स, उन सबको मैं अच्छे से क्लीन करा लूँगी, क्योंकि मेरी डिलीवरी हुई है आप सबको पता है, तो उसमें आईब्रोज वगैरह नहीं बनाते हैं, आईज़ पे जोर पड़ता है शायद, तो इसीलिए नहीं बनवाते हैं, तो मैंने भी नहीं बनवाई थी। तो अभी मैंने एक पार्लर वाली जो हम जिनके पास हम जाके बनवाते हैं उनको कॉल किया है, अर्बन क्लब से, आपने देखा होगा मैंने उनको ही बुलाया था, तो वो आने वाली है, उनसे हम आईब्रोज वगैरह बनवाएंगे मैं और भाभी, और उसके बाद हम कहीं जाएंगे। हम जा रहे हैं अपने हनीमून पे, है ना? हम दोनों हनीमून पे जा रहे हैं अपने अपनी बेटी के साथ। हाँ, आप सब पूछते हो ना कि आप लोग हनीमून पे कब जाओगे, अब तो ये है ही नहीं कि कब जाओगे, क्योंकि अब हमारा जो हनीमून टाइम था वो ख़त्म हो चुका, तो हम नहीं गए हनीमून पे, पर आज हम जा रहे हैं, शाम को निकलेंगे हम अपने हनीमून के लिए। तो इस ब्लॉग को आपको लास्ट तक देखना है, हम कहाँ जा रहे हैं हनीमून के लिए, और हम ही दोनों जा रहे हैं हमारे हनीमून पे कि हमारी पूरी फैमिली जा रही है, ये सब आपको आगे पता चलेगा। कौन कौन जा रहा है हमारे हनीमून पे? इनका आज सैटरडे है, फिर भी इनका ऑफिस का काम चल रहा है, ऑफिस वाले इनका खून पी के रखते हैं। बताओ हम हनीमून पे काम की बात नहीं कर रही, हनीमून की बात कर रही हूँ। आज हम हनीमून पे तो जा रहे हैं, मेरा और मेरी डॉटर का फर्स्ट ट्रिप, मेरा शादी के बाद फर्स्ट, उसके पीछे इनका हाथ नहीं था। अगर मैं कहीं नहीं गई हूँ, अगर हनीमून अगर हम नहीं गए, तो उसके पीछे इनका हाथ नहीं है, उसके पीछे मेरा खुद का हाथ। जब हमें कहीं जाना होता है तो ये आदमी मुझसे लड़ के रुला देते हैं, अभी ये उसी कोशिश में है। मम्मी मम्मी आज हम लोग हमारे हनीमून पे जा रहे हैं ना घूमने के लिए, मम्मी भी जा रही है, मम्मी हमें लेके जा रही है हनीमून घुमाने के लिए। लोग कि मम्मी लेके जा रही है, हमारा हनीमून हम अपनी फैमिली के साथ मना रहे हैं। मम्मी ऐसा कोई भी नहीं होगा जो अपनी फैमिली के साथ अपने हनीमून पे गया। हम सब घूमने जा रहे हैं निक्की के हनीमून, है ना मम्मी? मम्मी भी जाएगी अपने दादी के साथ घूमने, हाँ? दादी मम्मा को अपने हनीमून पे लेके जाएगी, बोले बाबू, है ना? जाएंगे ना। अब अपनी का फर्स्ट ट्रिप है, पहले कहाँ जाएगी अपनी घूमने? घूमने जाएगी छोना, घूमने जाएगी। देखती है टुक टुक। एवरीवन, सो ब्लॉग को आप आगे कंटिन्यू करना, उससे पहले मैं आपके साथ कुछ शेयर करने वाली हूँ। सो आप हमेशा मुझसे मेरे लिपस्टिक के बारे में पूछते हैं कि आप कौन सा लिपस्टिक यूज़ करते हो, कौन सा शेड यूज़ करते हो, तो फाइनली मैं आप सबके साथ शेयर कर रही हूँ कि मैं कौन से लिपस्टिक यूज़ करती हूँ, एंड उसका शेड भी शेयर करूँगी। एंड जैसे कि मैं न्यूड लिपस्टिक यूज़ नहीं करती हूँ, क्योंकि मेरे फेस पर शूट नहीं करता है, तो मैं बहुत डार्क लिपस्टिक ही हमेशा यूज़ करती हूँ, रेड कलर, मरून एंड पिंक। तो मैं आज आपके साथ कुछ रेड एंड कुछ पिंक पीची न्यूड शेड मैं आपके साथ शेयर करूंगी। तो मेरे पास है फोर लिपस्टिक एंड वन कंसीलर, और ये सारे मैंने लिए हैं पर्पल से। आपको इन सारे लिपस्टिक के लिंक मेरे डिस्क्रिप्शन में मिल जाएंगे, बहुत ही प्यारे प्यारे से शेड्स है गाइस, एंड ये लिपस्टिक इतने अच्छे हैं ना, फट से लगाओ एंड ड्राई हो जाते हैं। जैसे हमें लिपस्टिक सेट करने के लिए जैसे कॉम्पैक्ट पाउडर वगैरह की का यूज़ करना पड़ता है, तो उसकी ज़रूरत नहीं पड़ेगी, लिपस्टिक आप लगाओगे एंड अच्छे से मतलब हो जाएगा, सेट हो जाएगा आपके लिप पे। तो सबसे पहले मेरे पास है लिप कंसीलर, मैंने तो फर्स्ट टाइम सुना है गाइज, पहले मुझे नहीं पता कि लिप कंसीलर भी आता है। तो इस छोटे से मिनी पैक में है ये स्टे क्यूके का लिप कंसीलर, आप लिपस्टिक लगाने से पहले ये कंसीलर यूज़ कर सकते हो, आपका जो लिपस्टिक है वो लॉन्ग लास्टिंग रहेगा। तो ये ट्रैवल फ्रेंडली है, बहुत ही छोटू सा पैक है, आप ट्रैवल में अच्छे से कैरी कर सकते हो, अपने जीन्स में भी छोटू सा है रख लो एंड जाके वॉशरूम वगैरह में यूज़ कर लो। तो
बहुत ही प्यारा सा। अगर डार्क हो जाते हैं ना लिपस्टिक वगैरह, लिप्स आपके सॉरी डार्क हो जाते हैं लिप्स, तो उसके लिए आप ये पहले यूज़ कर सकते हो एंड उसके बाद लिपस्टिक अप्लाई करोगे तो लंबे समय तक आपकी लिपस्टिक चलेगी। एंड जो मेरा सबसे फेवरेट शेड है गाइज, ये स्टे क्विके का मिनी सा लिपस्टिक है जो कि मुझे बहुत पसंद है। यही लिपस्टिक मैं यूज़ करती हूँ, रेड कलर में है, ये ब्लड रेड है बिल्कुल। जो ब्राइड है जिसकी शादी होने वाली है वो तो ये लिपस्टिक ज़रूर से बाय कर लेना, क्योंकि आप अपनी शादी वाले डे लगाओगे ना तो बहुत अच्छे लगोगे। तो आप देख सकते हो इसका जो शेड है कितना प्यारा शेड है, इसका शेड है स्टे क्योंकि का है ये लिपस्टिक एंड इसका जो शेड है वो है गोल्ड टाइगर 5। नेक्स्ट जो मेरे पास है वो थोड़ा सा पीची कलर में है, ये भी स्टे क्योंकि का है और ये भी बहुत ही सही है, मतलब इसका जो शेड है वो काफ़ी अच्छा है, देख सकते हो। लिक्विड में है ये सारे लिपस्टिक मेरे पास। पहले मैंने आपके साथ न्यूड शेड शेयर किए हैं तो मैंने सोचा आप थोड़े से डार्क शेड मंगा लेती हूँ एंड तब आपके साथ शेयर करूँगी। और ये रेड वाला तो मैं काफ़ी टाइम से यूज़ करती हूँ, तो इस तरीके का है, ये पीची शेड है। जिसको रेड पसंद नहीं है, जिसको पिंक पसंद नहीं है, वो ये वाला शेड ले सकता है, काफ़ी अच्छा है कॉलेज वगैरह लगा के जाने के लिए, मतलब डेली यूज़ करने के लिए ये वाला शेड बहुत अच्छा है। नेक्स्ट मेरे पास है थोड़ा सा ऑरेंजी पीची टाइप में है, ये कलर का जो कोड है वो है T1, देख सकते हो इसका शेड थोड़ा सा जो डार्क चॉकलेटी ऑरेंज टाइप, जो थोड़ा सा डार्क ऑरेंजी होता है ना उस तरीके का है इसका शेड, आप लोग देख सकते हो ये वाला है। एंड उसके बाद है मेरे पास NYB का ये लिपस्टिक, आप लोग देख सकते हो। और ये भी है, ये बिल्कुल ब्लड रेड नहीं है, थोड़ा सा हल्का वाला जो रेड होता है ना वो वाला रेड है इसका। आपको कोड मेरे डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा कि ये कौन सा शेड है, लोग देख सकते हो। ये थोड़ा इस टाइप का रेड है, बिल्कुल डार्क वाला जो रेड होता है ना वो वाला रेड नहीं है, थोड़ा उससे कम है, बट ये वाला शेड भी बहुत अच्छा है, मुझे ये रेड लिपस्टिक तो बहुत। एंड गाइज, पर्पल पे इस टाइम पे चल रहा है मॉनसून मानिया का सेल जो 8 से लेके 14 जुलाई तक है। एक्स्ट्रा आपको 15% का ऑफ मिलेगा प्रोडक्ट्स पे एंड साथ ही साथ आपको 10% का फ्लैट ऑफ मिलेगा अगर आप कूपन कोड यूज़ करते हो GET100, तो आपको इतने सारे डिस्काउंट्स मिलेंगे, तो आप ज़रूर से ज़रूर चेक कर ले। इस टाइम पे सेल जो चल रहे हैं उसमें आपको बहुत सारे प्रोडक्ट्स बहुत ही ज़्यादा रीजनेबल प्राइस में मिल जाएंगे, तो आपको डिस्क्रिप्शन में लिंक मिल जाएंगे, इन सारे डिटेल्स मिल जाएंगे सेल कौन सी किस चीज़ पे चल रही है, तो डिस्क्रिप्शन ज़रूर से चेक कर ले। एंड आपको ऐप डाउनलोड करने का भी लिंक डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, तो वहाँ से आप ऐप भी डाउनलोड कर सकते हैं। आगे बढ़ते हैं, मेकअप हमारा हो चुका है, मेरे जाने के लिए एकदम रेडी है। आईब्रोज वगैरह मैंने बनवा लिया था, मुझे लग रहा है इधर वाली आईब्रो मेरी थोड़ी सी गड़बड़ की है, आप लोग मुझे कमेंट में बताना गड़बड़ किया है ना, मुझे तो लग रहा है। तो अब हम जा रहे हैं, मैं बस चेंज करूँगी, मेकअप कर लिया, बस बिंदी लगाऊँगी और सब लोग तैयार हो चुके हैं, बस हम निकलेंगे थोड़ी देर में। ये बड़ी खुशी हो रही है क्योंकि शादी के बाद पहली बार हम ऐसे फैमिली सब लोग मिलके कहीं घूमने जा रहे हैं, वरना हम लोग जाते नहीं हैं, हनीमून पे जा रहे हैं। अभी निकलेंगे थोड़ी देर में। सो ऑल सेट, मैं हो गई हूँ तैयार और ये है मेरा फाइनल लुक। और मैंने पहना है बहुत ही सुंदर सा ये कुर्ता जो कि लिया है मैंने मिंत्रा से, इसका लिंक चाहिए होगा तो आप लोग मुझे कमेंट में बताना, मैं लिंक दे दूँगी। और गाइस कैसी लग रही हूँ मैं ये भी मुझे कमेंट में बताना। और मेरी प्रिंसेस भी तैयार हो चुकी है मुझसे पहले, मम्मी ने उसको तैयार कर दिया था, तो ये रही मेरी प्रिंसेस, अभी सो रही है रेडी होकर, ये भी बहुत ही क्यूट लग रही है, क्यूट सी ड्रेस। तो प्रिंसेस भी रेडी है एंड मम्मा भी रेडी है, अब हम निकलेंगे बस थोड़ी देर में, बाकी सब लोग रेडी हो रहे हैं, मम्मी वगैरह, मैं हो गई हूँ रेडी। अब मैं सोच रही हूँ चूड़ा पहन लूँ, देखती हूँ थोड़ा सा चूड़ा पहन लूँगी उसके बाद निकल जाएंगे, क्योंकि लेट हो गया, शाम को 6 बज चुके हैं, हम 5 बजे निकलने वाले थे पर 6 बज चुके हैं, अभी देखते हैं जैसे सब लोग रेडी हो जाएंगे उसके बाद निकल जाएंगे। बहुत ज़्यादा खुशी हो रही है घूमने जाने के लिए, क्योंकि हम लोग जाते नहीं हैं, कितनी बार बता दिया, और जा रहे हैं तो बड़ा अच्छा सा अच्छा लग रहा है कि सब फैमिली साथ में मिलके कहीं बाहर जा रहे हैं। मेरा बच्चा उठ गया, अब मेरे बच्चे का फर्स्ट ट्रिप है, फर्स्ट टाइम जा रहे हैं घूमने बच्चा। हाँ, हम जा रहे हैं मूर्थल, है ना, हम जा रहे हैं मूर्थल। मैंने बहुत टाइम से सुना था मूर्थल के बारे में बट कभी गई नहीं थी, बट फाइनली मौका मिल गया जाने का। और मेरी शोना कैसी लग रही है, मेरा शोना बच्चा कैसा लग रहा है, हम मूर्थल जा रहे हैं। हाँ, मम्मा अच्छी लग रही है, मम्मा कैसी लग रही है, मम्मी मेरे हनीमून पे जाने के लिए तैयार हो गई है, मैं और मम्मी जा रहे हैं, हम सारे पूरी फैमिली जा रहे हैं मेरे हनीमून पे, हनीमून मनाने। हाँ, निक्की समेत का हनीमून मनाने मम्मी जा रही है। ये कुछ अलग है, घूमने जा हम घूमने जा रहे हैं,
भाभी की। और यहाँ तैयार हो गई हैं भाभी श्री, जो कि कहाँ गई, ये धनवाश्री और भाभी श्री तैयार हो गए हैं। और वहाँ पे यहाँ पे हो रहे हैं, यहाँ पे हो रहे हैं भैया श्री तैयार, और पीछे पापा जी गाना गा रहे हैं। पापा जी को हम हर बार अकेले घर पे छोड़ देते हैं, हम नहीं छोड़ते, पापा जी खुद ही रह जाते हैं घर, बोलते हैं कि घर को अकेला नहीं छोड़ेंगे, तो इसीलिए पापा जी रह जाते हैं घर पे, कि घर पे मतलब कोई तो होना चाहिए, तो हमेशा पापा जी को बाहर जाना अच्छा भी नहीं लगता, तो इसीलिए वो हमेशा घर पे रह जाते हैं। तो अब पति देव अभी तैयार नहीं, ये हो गए पति देव तैयार। अब ये सबसे लेट हमारे घर में यही तैयार होते हैं, हाँ मतलब सुबह से ऑफिस का काम कर रहे थे बेचारे, इसलिए लेट हो गए। अब हम निकल रहे हैं, और मुझे प्लीज़ कोई ये कमेंट मत करना कि अपने बाल छोटा बच्चा खोल के रखते हो, तो मैं यार थोड़ी देर में कर लूँगी, क्लचर लगा लूँगी, बट अभी थोड़ी देर के लिए ऐसे खोला हुआ है। बेबी को मुझे ज़्यादा पकड़ना है नहीं, हस्बैंड पकड़ेंगे और मम्मी पकड़ेंगे, मुझे मिलेगी नहीं, तो इसलिए मैंने बाल खोल लिए। चले हम आपके हनीमून पे, इनको बहुत दुख है इस बात का, अंधेरा आ रहा है। हाँ अब ठीक है, खाली वीडियो बनाया जाता नहीं पापा। अरे पापा जी खुश आ जी पापा जी, चले और सुने तो छोटे जाने से पहले चल। हे बेचारे दुख भरे अपना ऑफिस का लैपटॉप लेके जा रहे हैं घूमने के लिए। ओ हो ग्लो मार रहा है चेहरा घूमने के नाम पे। भैया आपको पता हम कहाँ जा रहे हैं, है निक्की सुमित के हनीमून पे पूरी फैमिली। हमें इन पे भरोसा नहीं, इसलिए हमने अकेला नहीं छोड़ा। तो नहीं देखो हमने कितना इंतजार किया, हम एक बच्चे को लेके और तब अपनी पूरी फैमिली को लेके हनीमून पे जा रहे हैं। सब लोग पूछते हैं आप लोग हनीमून पे क्यों नहीं गए, क्यों नहीं गए, क्यों नहीं गए, इसीलिए नहीं गए। वो भी हनीमून इतना बड़ा, इतना लॉन्ग टाइम का, आज जाएंगे और आज वापस। हाँ और पूरी फैमिली के साथ जा रहे हैं हम, अनोखा हनीमून। बस एक हमारे पापा जी रह गए, इस ब्लॉग का टाइटल जाएगा अनोखा हनीमून। ऐसा हनीमून किसी ने नहीं मनाया होगा जो मैं मनाने जा रही हूँ। इसे ही खुशी है, मम्मी को बीच में हमने फंसा दिया क्योंकि मुझे भी उल्टी करना, भाभी को भी उल्टी करना। मम्मी मम्मी हमारी हमारी राजा है, रानी है, ठीक है। तो हम दोनों अगल बगल में सिपाही और हवलदार हैं। पीछे ही पीछे कहीं शोना घूमने जा रही है। ओ ये तो फिर से नेल पॉलिश नहीं लगाया भाई, बच्चे को देखो नेल पॉलिश नहीं लगाया। अरे शोना फिर से चल गए, मम्मी को हमने बीच में दबा दिया है, ऊपर से मम्मी को और पकड़ा दिया है। नहीं हमारे घर का ये वो है, मम्मी जाएंगी तो मम्मी लेके जाती है अपने। एक जना वहाँ आगे सो गए हैं, अभी हम आधे रास्ते भी नहीं पहुंचे हैं। दिन पे दिन इस अटैचमेंट ज्यादा नहीं बढ़ता जा रहा मम्मी से ना। हाँ मैं इनसे एक दिन बोल रही थी, हैं निक्की करिए भी आधे रास्ते भी नहीं पहुंचे, मैं लगा तो बोल रहा हूं तो अपने इलाके में ही है। अच्छा अभी हम अपने इलाके में ही, मुझे रास्ते का पता नहीं था इसलिए मेरे को लगा हम आधे रास्ते पहुंच गए। बताऊँ इस ये जब हुई थी तो इतना इससे वो नहीं था, अभी थोड़ा थोड़ा मतलब था कि हाँ अब बच्चा है, अलग ही हो गया है। हाँ मेरा प्रिंसेस घूमने जा रही है, अब मेरी पबनी घूमने जा रही है दादी हम सबके साथ। ओए होए मैं तो घूमने जा रही हूँ नया नया कपड़ा पहन के, आज हम सब नया कपड़ा पहने हैं सिवाय भैया को और मम्मी को छोड़ के, है ना मम्मी। ये भी तो अच्छा बाकी हम चारों ने कोरा, बाकी हम चारों ने कोरा पहना है। मम्मी हम पे खूब पैसे खर्च करती है, बाकी हमने बेटों पे नहीं कर दिए, हमने नाती नाती ना पोते को दोनों बहुओं को नए कपड़े पहना के लाए हैं। अच्छा ना सो फाइनली हम पहुंच गए अपने वेन्यू पे, मतलब जहाँ हमें जाना था वहाँ मूर्थल। और यहाँ पे आप लोग देख सकते हो कितने ही बढ़िया बढ़िया ढाबा थे, मतलब बहुत सुंदर सी जगह थी हाईवे के पास से ये, और मतलब घूमने के लिए नाइट में ये बहुत ही ज़्यादा अच्छी जगह है, आप लोग जा सकते हो। यहाँ ना लाइन वाइज बहुत सारे ढाबा हैं, एंड छोटे से लेके बड़े तक जिस तरीके का आप ढूंढोगे उस तरीके से। बट यहाँ पे डांस वगैरह भी होता है, हमें वहाँ भी जाना था बट हो नहीं रहा था उस टाइम पे, बंद था। और यहाँ का जो माहौल देख के लग ही नहीं रहा था कि कोविड नाम की कुछ है, कोविड कुछ है ऐसा सब कुछ था। सब लोग इतने ज़्यादा होते, ये सुखदेव है, पहले हम यहाँ जाने वाले थे बट यहाँ बहुत ज़्यादा रश था। मंजिल पे
ये हमारी प्रिंसेस और कितना अच्छा लग रहा है। मम्मी उतर रही हैं पीछे और ये है हमारी हवेली। कहाँ है हम? कहाँ है हवेली? मूथल। मम्मी ऊपर उतर लेना। घर से पहली बार आजाद हुई हूँ, इतनी खुशी हो रही है। इतनी सुंदर जगह है, बहुत ज़्यादा सुंदर जगह है। आराम से क्यों भाई, ब्लॉगिंग करते हैं तो बोलेंगे, तेजी बोलेंगे। मम्मी ने मम्मी को कैसे लिया है? सुनो ये टॉवल मम्मी को अच्छे से पकड़ा दो। नहीं ऐसे कर, ड्रेस दिखाने के चक्कर और हील के चक्कर में गिरना जाए। बहुत दिनों बाद इतना हील पहन के निकला। खुशी हो रही है भाभी? हमें बहुत खुशी हो रही है। कहाँ गए? बहुत ज्यादा। ड्रेस दिखा दो अपना सूट। जगह यहाँ पे लोग विदाउट मास्क घूम रहे थे। हाँ, इसीलिए हम भी विदाउट मास्क, और हम लोगों ने वैक्सीन भी लगवा ली है। हम लोग सबने वैक्सीन लगवा ली है, इसीलिए हम और घूम रहे हैं। तो ये है अंदर का साइड। अभी हम लोग वेटिंग में थे, मतलब वहाँ पे नंबर वाइज आ रहा था टर्न अंदर जाने का रेस्टोरेंट में, एंड तब खाना वगैरह खा सकते थे। तो हम यहाँ पे खड़े हो गए, एंड यहाँ पे आप लोग देख सकते हो कितना प्यारा, मतलब सब कुछ था। और यहाँ पे ऐसे खाट सी लगाई हुई थी, और ये खाट हमें इतनी पसंद आई कि हमने सोचा हम अपने घर पर भी ऐसा सेम लेंगे नीचे लगाने के लिए बेसमेंट एरिया में, तो इसलिए। और यहाँ पे जो मेन डोर है, यहाँ पे अभी देख रहे हैं कि हमारा नंबर आया है या नहीं, तो इससे अंदर जाएंगे रेस्टोरेंट के अंदर। बहुत ज़्यादा रश थी, किसी ने मास्क नहीं लगाया था तो हमने भी नहीं लगाया था। बाबू गए हैं झूला झूलने, और मैं मम्मी, यहाँ लाइट बहुत ज़्यादा आ रही है, मैं मम्मी और ये यहाँ पे हम लोग बैठे हुए हैं। मम्मी इसको झूला झूला रही है क्योंकि अभी ये छोटी है, ये अभी झूला नहीं झूल सकती, इसलिए मम्मी इसको ऐसे झूला झूला रही है। कोई गर्मी लग रहा है बच्चे को? गर्मी हो रही है, ये गर्मी से परेशान हो गई। बहुत सुंदर सी जगह है,
भाभी आई थी पहले लेने के लिए, फिर क्या चाहिए उनका वो चला नहीं तो इसलिए दोबारा मैं लेके आई हूँ। शायद मेरे फ़ोन से हो जाए पे, तो देखते हैं। अभी तो भाभी के फ़ोन से हुआ नहीं। क्या चाहिए भैया, निकाल देना। क्या बोल रहे हैं, कौन सा गेम चाहिए बेटू आपको? बोल दो भैया, निकाल दो। कौन सा? देखो एक बार दिखा रहे हैं। अभी यहाँ से हम लोग कुछ लेंगे बाबू के लिए, क्योंकि भाभी का गूगल पे हो नहीं रहा था, इसीलिए फिर मुझे दोबारा मुझे आना पड़ा लेके, कि क्या पता मेरे फोन से हो जाए। तो बहुत सारे हमें गिफ्ट मिले हैं। और ये ले रही हूँ मैं अपनी प्रिंसेस के लिए डॉल। अब बाबू आपने ले लिया? हाँ। इधर देखो, थैंक यू बोलो चाची को। थैंक यू। चले बस। अब हम घर निकल रहे थे और हमें ये मिरर दिख गया, तो हमने सोचा यहाँ कुछ फ़ोटोज़ क्लिक कर लेते हैं हम लोग। और कोई प्लीज़ ये कमेंट मत करना कि पूरे टाइम पे आपके बेबी को आपके सासू माँ ने ही पकड़ा हुआ था, तो नहीं, हम सब ने मिल बांट के पकड़ा हुआ था प्रिंसेस को। ऐसा नहीं है कि एक ही जने किसी ने पकड़ा हुआ था। और यहाँ पे देखो हम लोग ये यहाँ पे फ़ोटोज़ क्लिक करा रहे हैं। ये कार इतनी ज़्यादा सुंदर लग रही थी यहाँ पे, एंड फिर हम निकल गए। हमारा ट्रिप ख़त्म और हम आ गए घर। और हालत कैसा लगा आपको? रात का 1:30 बजे था, 1:30 बजे हम आए हैं घर। बेटी को तो रात के 1:30 बजे मम्मी कैसा लगा आपको? रात के बेटी को तो रात के 1:30 बजे घूम के मिले। अपनी मम्मी के साथ गए हैं हम लोग। तब हम जा रहे हैं अपने घर में और ब्लॉग को कर रहे हैं यहीं पे एंड। बाय 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 बाय।
ड्रेस वगैरह में गोगनी ले रखी।